हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को जो रेसिपी बनाकर दिखाने वाली हूँ वो है अपम। अपम बोले या अप्पे बोले, ये है तो साउथ इंडियन डिश, पर इसे ऑल ओवर इंडिया में बड़ा चाव से खाया जाता है, क्योंकि ये हेल्दी है। इसमें तेल का मात्रा बहुत ही कम यूज़ होता है और इसके अंदर बहुत सारा वेजिटेबल्स पड़ता है। बच्चे जो वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं वो इस अपम के अंदर जब देके बनाया जाता है बड़ा चाव से खा लेते हैं। चलिए शुरू करें अपम बनाना। इसके लिए मैं एक बड़ा सा बाउल ले ली हूँ और उसके अंदर जाएगा 1 कप सूजी, पतला वाला सूजी, और 1/2 कप दही और 1/2 कप पानी। पहले तो मैं 1/2 कप दही और 1/2 कप पानी देके सूजी को मिक्स करके एक बैटर बना के करीब 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। इसे 1/2 घंटे के दौरान मैं इसमें जो वेजिटेबल्स डालेंगे उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। देखिए, एक मैं फ्राइंग पैन गैस पर चढ़ा के उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दी हूँ, और अब उसके अंदर 1 चम्मच सरसों क्रैकल होने के लिए छोड़ दी। सरसों मेरा क्रैकल हो गया है, अब 2 चुटकी हींग इसके अंदर डाल दी मैं, और करीब 8-10 करी पत्ता इसके अंदर डालने से बड़ा अच्छा खुशबू आता है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप प्याज बारीक कटा हुआ, और धीरे धीरे बारी बारी करके जितना भी सब्जी मैं काट कर रखी हूँ, एकदम छोटा छोटा बारीक काट कर रखी हूँ, उसे डाल दूँगी। ये मैं डाली फूलगोभी, फिर 1/2 कप बीन्स, 1 कप जैसा मैं शिमला मिर्च काट के रखी थी, गाजर मैं 1/2 कप डाल के फिर से देखिए सौते कर रही हूँ। अब मैं डाली 1/2 कप मटर। सब्जी देखकर लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सब्जी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये 1 कप सूजी के अंदर आराम से मिक्स होके एकदम घुल मिल के एकदम सही प्रोपोर्शन में आ जाएगा। अप्पे के अंदर वेजिटेबल्स बिना फ्राई किए भी डाला जा सकता है, पर थोड़ा सा फ्राई कर लेने से, सौते कर लेने से इसका टेस्ट थोड़ा एनहांस हो जाता है। अब मैं देखिए 1.5 चम्मच अदरक पीसा हुआ, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ। वेजिटेबल्स हम लोग का सौते हो गया है, इसे मैं अब गैस बंद करके ठंडा कर लूँगी। 1/2 घंटा हम लोग का पार हो गया है। अब देखिए हम लोग का सूजी भी फूल के तैयार हो गया है। इसके अंदर अब मैं वेजिटेबल्स डाल दे रही हूँ। वेजिटेबल्स भी हम लोगों का ठंडा हो गया है। अब करीब 2 चम्मच नमक इसके अंदर जाएगा। आप अपना स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा, और खूब अच्छे से ये वेजिटेबल्स और सूजी का जो बैटर है उसके अंदर देखिए 1/2 कप पानी करीब लग जाएगा, पर धीरे धीरे पानी मिलाना होगा, क्योंकि इसका बैटर का कंसिस्टेंसी देख देख के पानी मिलाना है। मैं 1/2 कप पानी इसके अंदर डाल दी, लगता है और पानी लगेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बैटर को टाइट ही रखना होगा, ज़्यादा गीला नहीं करना है। और आखिरी में 1/3 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, उसको अच्छे से ये बैटर के अंदर मिक्स कर देना है। बैटर में खाने वाला सोडा भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब बैटर हम लोग का एकदम तैयार है। देख रहे हैं इतना सब्जी कहाँ सूजी के अंदर मिक्स होके अंदर चला गया, एकदम बैटर हम लोग का परफेक्ट हुआ है। अपम बनाने के लिए मैं गैस को एकदम फुल में रख के, मेरा जो कास्ट आयरन का ये अपम पात्र है उसे उसके ऊपर चढ़ा के मैं एकदम फुल गरम कर ली, और उसके अंदर 1/2 चम्मच जैसा सरसों का तेल 1-1 छाँच के अंदर मैं डाल दे रही हूँ, और इसे बहुत अच्छे से गरम करने के बाद इसमें डालना होगा बैटर। अपम पात्र का छाँच में तेल डालने के बाद मैं थोड़ा ब्रश से इसको फैला दी, और अब 1-1 करके
अपन पात्र का जो छाछ है उसके अंदर मैं एक एक चम्मच बैटर में डाल रही हूँ। बैटर उतना ही डालना है जितना कि छाछ का लेवल में आए, इसका ऊपर एकदम नहीं भरना है। ऊपर अगर भरिएगा तो ये फैल जाएगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है, ये अपम पात्र जब पहले आप चढ़ा रहे हैं उस वक्त जब एकदम गर्म होने के बाद तेल डालिएगा तब इसका आँच एकदम धीमा कर देना है। अब अपम सब हो गया है फिलअप, अब इसे ढक्कन लगा देना है। 4 मिनट बाद मैं खोल रही हूँ। देखिए अपम का ऊपर एकदम सख्त हो गया है। अब इसको मैं उलट दे रही हूँ और थोड़ा सा ब्रश से ये जो सरसों तेल में ब्रश कर दे रही हूँ जैसे कि ऊपर का पोर्शन भी थोड़ा सा क्रश आ जाए, उसमें थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाए। और सभी अपम को मैं उलट के एकदम उसका ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर ऐसे करके रख दूँगी तो नीचे वाला पोर्शन भी अच्छे से एकदम लाल हो जाएगा। और फिर मैं ढक के 4 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। चार मिनट पार हो गया है। 4 मिनट बाद मैं देख रही हूँ अपम का, सभी अपम का नीचे का पोर्शन एकदम लाल हो गया है। सभी अपम को मैं चम्मच और फोर्क के सहायता से उतार कर रख लूँगी और बाकी सब अपम भी इसी तरह से बना के रख लूँगी। कुछ अपम मैं प्लेट आउट कर दी हूँ। इसके साथ आप कोई भी चटनी, नारियल का चटनी, हरा धनिया का चटनी, जो भी चटनी आपको पसंद आए उसके साथ परोस सकते हैं। देखिए इन्हीं अपम में से मैं एक अपम तोड़कर दिखा रही हूँ। अंदर देखिए कितना सॉफ्ट, मुलायम और एकदम अंदर तक कुक्ड हो गया है। देखने में भी बड़ी खूबसूरत लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, आज मैं यहीं विदा ले रही हूँ। अपम अगर आपको बनाना हो तो इस तरह से बनाइएगा, आपका अपम ज़रूर अच्छा बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। नीचे साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा प्लीज़, नहीं तो मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा।